अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मिर्ची भजिए। तो इसके लिए मैं बेसन ले ली 250 ग्राम, एक स्पून अजवाइन डाल देंगे, खाने का सोडा डाल देंगे एक चुटकी, हल्दी पाउडर डाल देंगे आधे स्पून से थोड़ा बढ़ के, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 स्पून डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर 1 स्पून डाल देंगे, नमक 1 स्पून डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। अब ये सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। अब हम इसमें पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भिगा लेंगे। अगर आप हाथ से कंफर्टेबल है मिलाने तो हाथ से मिलाइए। आप पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए भिगा लेंगे हम आटे को। ये देखिए रेडी हो गया। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की रहना। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, जब तक हम मिर्चों को देख लेंगे। ये देखिए इस तरह से मिर्चों को मैं धो के ले ली। अब ये मिर्चों को हम कट लगा लेंगे बीच में से, और नीचे से थोड़ा कट कर लेंगे, और जो बीन्स है उसके हम बीच में से निकाल देंगे, सेपरेट कर देंगे इसको। आप स्पून की मदद से भी निकाल सकते हैं ये बीन्स। इसी तरह से पूरे मिर्चों को हम कट लगा के इसमें के बीन्स निकाल देंगे। बहुत इजी रेसिपी है ये, बहुत इजी स्नैक है ये। पूरे मिर्चों की इस तरह से बीन्स निकाल के ले ली मैं। अब हम इसमें इमली की चटनी भरने का बना लेंगे। मैं इमली भिगा के रख ली थी, दो चीज़ों के लिए इमली भीग गई थी मैं ये, एक खट्टी मीठी चटनी के लिए और मिर्चियों के अंदर जो फिलिंग भरते हैं हम वो उसके लिए। तो मत के खट्टा अच्छा हम इसमें का निकाल लेंगे छन्नी से, गाढ़ा खट्टा मत के निकाल लेना। ये देखिए खट्टा निकल गया इमली का पूरा। अब हमें इसको फिलिंग के लिए जो हम मिर्ची में डाल रहे हैं वो उसके लिए सेपरेट कर लेंगे थोड़ी इमली का खट्टे को हम। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। वन स्पून ज़ीरा पाउडर ले ली मैं, 1 स्पून धनिया पाउडर ले लेंगे, नमक ले लेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। अब ये मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लम्स नहीं रहे जैसा मिक्स कर लेना, और एक कुछ दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं आप। अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम मिर्चों में फिल कर देंगे चटनी को, ये चमचे की मदद से आसानी से इस तरह से भर ले सकते हैं हम मिर्चियों के अंदर। ये चटनी की वजह से बहुत मज़े के दिखते हैं मिर्चियाँ ये। इसी तरह से हम पूरे मिर्चों में भर लेंगे चटनी को। ये देखिए पूरे रेडी हो गए चटनी भर के। अब आटे को हम अच्छे से फिर एक बार मिला लेंगे। अब हम आटे में मिर्ची डाल के डुबा के इस तरह से ऐसा कट लगा लेना। ऐसा लिए तो क्या होता, मिर्ची अंदर तक अच्छा तले जाती।
अब हम कढ़ाई में तेल डाल के गर्म कर लेंगे तेल को। तेल गरम हो गया, अब हम इसमें मिर्ची डाल देंगे। इस इफ्तार में आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए मिर्ची भजिए को, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। एक एक करते हुए जितनी स्पेस है इसमें कढ़ाई में उतने डाल देंगे मिर्चियों को। अब हम अलट पलट कर लेंगे इसको। अलट पलट करते हुए तल लेंगे हम, इसका कलर चेंज होने तक तल लेना। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होना तो आप इसमें थोड़ा चावल का आटा भी मिला सकते हैं। ये देखिए ऑलमोस्ट हो गई है। अब हम निकालेंगे मिर्चियों को। इसके साथ में खट्टी मीठी चटनी भी बने, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट कीजिए। और साथ में जो आटा बच गया था उसके प्याज के पकौड़े बना दी मैं। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जो मेरे चैनल पे नए हैं उनको मेरी वे रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए प्याज के पकौड़े भी बहुत अच्छे बन के रेडी हुए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।